80 से 90% लोगों को चीरा, फिशर या हरस का प्रॉब्लम रहता है, तो खाने पीने में बदलाव और दवाई से आराम हो जाता है और वापस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 से 15% लोगों को फिशर से तकलीफ ज़्यादा रहती है और ऑपरेशन करना अनिवार्य होता है। टॉयलेट के बाद जब असह्य दुखा हो आधे घंटे से ज़्यादा और रोज़ की तकलीफ हो जाए तो ऑपरेशन का डिसीजन सही रहता है। ये ऑपरेशन कम्प्लीटली सेफ है, पेनलेस है और रिकवरी एकदम फास्ट रहती है। टॉयलेट का हिस्सा जो एकदम टाइट हो गया रहता है, इसके कारण हम रिंग के बाजू का हिस्सा यानी स्फिंक्टर को एक साइड से एक आधे सेंटीमीटर का छोटा कट करते हैं। इलेक्ट्रोकॉटरी या लेज़र के मदद से स्फिंक्टर को हम लिफ्ट करते हैं और जला के कट कर देते हैं। ये ऑपरेशन कम्प्लीटली सेफ, पेनलेस, ब्लीडिंग नहीं रहता और ऑपरेशन के बाद कोई ड्रेसिंग की भी रिपीटेड झंझट नहीं रहती। ऑपरेशन के दूसरे ही दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है और उसका टॉयलेट करने के टाइम जो आधा आधा घंटे तक का जो दर्द रहता है वो कम्प्लीटली गायब हो जाता है और खाने पीने में फिर परहेज नहीं रहता है। चीरा या फिशर संबंधित और जानकारी के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। वीडियो पसंद आने पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे रिलायबल हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल।